ऐसे वक्त में जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए लोग दौड़े चले जा रहे हैं, दलितों को जिंदगी में पहली बार चप्पल पहनकर चलने का मौका मिला है। खबर सोशल जस्टिस का द्रविड़ मॉडल माने जाने वाले तमिलनाडु से है। दलितों ने पहली बार चप्पल पहनकर उन गलियों में कदम रखा जहां उन्हें नंगे पैर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। बीते रविवार को तमिलनाडु के तिरुपुर गांव के 60 दलितों ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। इन 60 दलितों ने पैरों में चप्पल और जूते पहने और उस गली से निकले जहां उनके नंगे पैर चलने का विधान लागू था। राजावुर गांव में जो हुआ वो कोई छोटी बात नहीं है। जब देश आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है, तब हमारे इसी देश के दलितों को चप्पल पहनकर चलने जैसे मामूली से अधिकार के लिए भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। इसलिए मेरी नज़र में 60 दलितों का चप्पल पहनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आत्मसम्मान का मामला है। आप जिन्हें इंसान तक नहीं मानते, वो संविधान लागू होने के 74 बरस बाद भी अपने मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दलितों को चप्पल पहनकर चलने से रोकने वाले ज्यादातर लोग ओबीसी जातियों के हैं। राजावुर गांव में कमला नेकन स्ट्रीट है जो करीब 300 मीटर लंबी है और उसके आसपास नायकर और गोंडार जैसी ओबीसी जातियां हैं। रामा स्वामी पेरियार नायकर जैसे महान शख्स आज होते तो बहुत दुखी होते। वो पिछड़ों को समझाते रहे कि हिंदुत्व के भ्रमजाल से बाहर निकलो, लेकिन ऐसे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। तमिलनाडु में नायकर और गोंडार जैसी ओबीसी जातियां दलितों के साथ छुआछूत करती हैं और ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि सामाजिक न्याय की जमीन तमिलनाडु में जाति के मामले में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस जाति के लोगों ने गली में चलने का साहस दिखाया वो अरुण थथियार जाति से हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आती है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक गांव वाले के हवाले से छापा गया है कि अरुण थथियार जाति के लोगों को उस गली में चप्पल या स्लीपर पहनकर चलने की मनाही थी। दलितों को जान से मारने की धमकियां दी गई थी और उन पर हमले भी किए गए थे। उच्च जातियों की महिलाओं ने भी धमकी दी थी कि अगर दलित यहां से चप्पल पहनकर गुजरे तो देवता दलितों को मौत की सजा देंगे। हम दशकों से इस शोषण और जिल्लत के साथ जी रहे थे। कुछ हफ्ते पहले हमने इलाके के दलित संगठनों के सामने अपनी समस्या रखी। दलित संगठनों ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दलितों को कैसे एक झूठी कहानी गढ़कर दशकों तक इस तरह अपमानित किया गया, उन्हें चप्पल पहनने तक का अधिकार नहीं दिया गया। एक स्थानीय शख्स बताता है कि आज़ादी के बाद जब छुआछूत को खत्म कर दिया गया था तो प्रभुत्वशाली ओबीसी जातियों ने दलितों के साथ इस अमानवीय प्रथा को जारी रखने के लिए ये कहानी बना दी कि इस गली में एक शापित गुड़िया को गाड़ा गया है और अगर दलित उसके ऊपर से चप्पल पहनकर निकले तो 3 महीने के भीतर उनकी मौत हो जाएगी। कुछ दलितों ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया, कुछ डर गए और चप्पल उतारकर उस गली से गुजरने लगे और इस तरह से ये प्रथा तभी से चलती आ रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे दलितों को अंधविश्वास और पाखंड के सहारे गुलाम बनाए रखने की साजिशें रची जाती हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते थे कि हमें ब्राह्मणवादियों की इन साजिशों को समझना चाहिए और उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। आज भी हम दलितों को ये बात समझा रहे हैं कि धर्म और पाखंड के जाल से बाहर निकलो और शिक्षा और विज्ञान का रास्ता अपनाओ। शिक्षित बनोगे तो फिर संगठित होकर आप ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ सकोगे। जब गांव वालों ने तमिलनाडु छुआछूत मिटाओ मोर्चे के सामने अपनी बात रखी तो वो अपनी टीम के साथ पहुंचे और क्योंकि वो संगठित थे इसलिए ललकार कर उस गली से गुजरे जहां कथित ऊंची ओबीसी जातियों के लोग अपनी खिड़कियों से झांककर अपनी लाल आंखों से उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। तमिलनाडु छुआछूत मिटाओ मोर्चा के साथियों ने कमाल का काम किया है, लेकिन अभी भी गांव के दलित डरे हुए हैं। वो डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि ये जातिवादी उन पर कहीं हमला ना कर दे। इसलिए जरूरी है कि राजावुर गांव के अरुण थथियार जाति के लोग भी संगठित हों और ऐसे जातिवादियों का सामना करें। किसी के साथ भी जाति भेद करना, छुआछूत करना, ये सब गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो सकता है, इसलिए कानून का भी सहारा लेना चाहिए।
तमिलनाडु में हमेशा से ही ओबीसी जातियों की सरकार रही है और तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मॉडल की हमेशा तारीफ भी की जाती है, लेकिन ये सोशल जस्टिस मॉडल भी जाति की बीमारी का इलाज करने में पूरी तरह से कामयाब होता नहीं दिख रहा। कल ही हमने तमिलनाडु में जातिवाद पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट की थी कि एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि रिसर्च रिपोर्ट में कैसे ये सामने आया है कि तमिलनाडु के करीब 30% स्कूलों में अभी भी दलित छात्रों के साथ किसी न किसी तरह का जातिवाद होता है। तमिलनाडु छुआछूत मिटाओ मोर्चा की ओर से ही ये सर्वे किया गया था और इसमें ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन स्कूलों में दलित छात्रों से टॉयलेट साफ कराने जैसे अपराध से लेकर जातीय भेदभाव किया जाता है। मिड डे मील सर्व करते वक्त उन्हें अलग लाइन में बिठा दिया जाता है। खेलने के लिए और लैब में प्रैक्टिस के लिए समय देने में भी भेदभाव होता है। यहाँ तक भी सामने आया था कि कुछ दलित छात्रों को अपनी जातीय पहचान बताने के लिए कलाई में किसी तरह का धागा या गले में चेन वगैरह भी पहननी पड़ती है ताकि उन्हें दूर से ही देखकर समझ जाएं कि उनकी जाति क्या है। ये भी पता चला था कि कई स्कूलों में वहाँ पर दलित बच्चों के लिए और नॉन दलित बच्चों के लिए पानी पीने का अलग अलग इंतजाम किया गया है। तमिलनाडु में जातिवाद पर ऐसी रिसर्च रिपोर्ट आना और तमिलनाडु में ही आज़ादी के बाद पहली बार राजापुर गांव में चप्पल पहनकर चलने का मामला इस बात का सबूत है कि दक्षिण भारत में भले ही सवर्णों की आबादी कम हो लेकिन वहां भी ओबीसी जातियों में जातिवाद भरपूर है। वो जातिवाद करने में पीछे नहीं है। ऐसी खबरों ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों तमिलनाडु की सरकार छुआछूत और जातिवाद पर नकेल लगाने में सफल नहीं हो रही। पेरियार की जमीन तमिलनाडु में जिस द्रविड़ मॉडल की हम मिसाल देते हैं, क्या वहां भी जाति की बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं है? सवाल हमारे महान देश भारत के लोगों से भी है कि आखिर आप अपनी ये सड़ी हुई मानसिकता कब छोड़ोगे? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के 74 साल संविधान लागू हो गए हैं, उसके बाद दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला। कितनी बड़ी खबर है, लेकिन मनु मीडिया के लोग इस पर कोई बात नहीं करेंगे, वो इसको दबा देंगे, इस पर कोई वहाँ पर चर्चा नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ये एक बड़ा मसला है। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।